Please take one rough copy and you can see in your screen, this is your worksheet. Okay, this is your worksheet. So my dear friend, first you write your name, class, subject and today day. Aaj 9 tarikh hai, okay? So please, first you write your name, class, subject and today day. Okay, in your copy, first you write your name, class, subject and today day. No single. Write for मैम. यस मैम, इसको कैसे लिखना है? ओके, यू राइट ओनली आंसर वैभव. बेटा वैभव, यू राइट ओनली आंसर. देखो मैंने वो जो योर क्वेश्चन नंबर वन इज लेबल द फॉलोइंग. योर क्वेश्चन नंबर वन इज लेबल द फॉलोइंग. बेटा मैंने नंबरिंग कर दी है. ओके, व्हाट इज द फॉलोइंग? आपने क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर वन. देन यू राइट ओनली, ऐसे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. यू राइट ओनली क्वेश्चन वन. देन यू राइट आंसर नंबर वन. वन का आंसर क्या है? देन सेकंड, देखो मैंने नंबरिंग कर दी है. जैसे मैंने नंबरिंग की है वैसे ही आप आंसर उसमें पुट करेंगे. ओके यस मैम. और जो ये फॉर्म नहीं होगा तो वो मैं आपसे करवाऊंगी. ओके यस मैम. यस बेटा. मैम इसको प्रिंट करके भी कर सकते हैं? प्रिंट करा के भी कर सकते हो, बट अभी बिना प्रिंट के भी कर सकते हो आप. ओके एंड वंशिका बेटा, प्लीज रीनेम योरसेल्फ. व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम माय सिस्टर नेम. ओके, व्हाट इज योर नेम? मैम विनम्र. ओके विनम्र. बेटा को पिंचा ना? यस मैम. मैम वी हैव टू राइट ओनली आंसर. आंसर यस, यू राइट ओनली आंसर बेटा. ओके, फर्स्ट विनम्र, फर्स्ट यू राइट. बेटा धानवी, सिट प्रॉपरली एंड वेयर इज योर नोटबुक? धानवी, धानवी वेयर इज योर नोटबुक? धानवी, ओके गुड गर्ल. ओके ओके, सो प्लीज डियर फ्रेंड, प्लीज फर्स्ट यू राइट योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड टुडे डे. सबसे पहले ये चार चीज लिखेंगे. ओके, फर्स्ट यू राइट योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड टुडे डे. ओके, देन यू विल स्टार्ट आंसर नंबर वन. ओके, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव. If you have any query, please raise your hand. कुछ नहीं बन रहा है मैम? Yes, yes विनम्र. मैम सारी चीज एकदम छोटी छोटी दिख रही, जहाँ जहाँ पे वो अंडरलाइन है वहाँ पे. बेटा पूरे फुल स्क्रीन पे है ये तो. मैम मैं मोबाइल में कर रहा हूँ मैम. Now? Yes मैम. Wait, wait, wait. Now Vinamra. Okay ma'am. Yes Nishchay, what happened Nishchay? Ma'am I have done all. Mama, you have done? Very good Nishchay. Very good bachcha. Okay. Yes Shaurya. Shaurya, you have any query? मैम वो जो सेकंड है वो क्रॉस, मैम वो क्लोज का है या फिर ये जो लाइन है उसका है? सॉरी, सेकंड इज क्लोज. सेकंड आंसर इज क्लोज. ओके, फर्स्ट योर फर्स्ट आंसर इज क्विक एक्सेस टूलबार. योर फर्स्ट आंसर इज क्विक एक्सेस टूलबार. ओके दक्षिका, वैभव, विनम्र, your first answer is quick access toolbar. Second, yes, what happened Vaibhav? Ma'am, ये मैम इसको फोटो खींच के भेजना है. हाँ बेटा, पीडीएफ बना के तो भेजेंगे. You send. Yes. Ma'am. Ma'am. Yes, yes.
मैम व्हाट यू आर सेड सेड अरे बेटा वेट विनम्र your first point is your first point is quick access toolbar. Excuse me. Wait a minute, Samiksha. I will stop you. Wait a minute. Yes. What happened, Vinamra? Ma'am, you have tell answer. You can see here this point. You can see here office button. This is office button. First option is office button. O F F I C E. Office button. Okay. Okay. Yes, Samiksha. What happened, Samiksha? Yes. What you want? Ma'am, yes. बता दिए कि वो ऑफिस बटन था पहले बोल रहे थे ना बेटा दिस इज ऑफिस बटन क्या है ऑफिस ऑफिस बटन एंड म्यूट योरसेल्फ बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट पॉइंट इज ऑफिस बटन योर फर्स्ट पॉइंट इज ऑफिस बटन सेकेंड इज क्लोज मैम यस यस वैभव मैम मैम मुझे सब या पूरा याद है तो मैं उसको पूरा लिख दूं हां बेटा पूरा याद है तो पूरा लिख दो वेरी गुड बॉय लिख दो बेटा तू भी कुछ देखेगी ये क्या कर रहा फर्स्ट इज ऑफिस बटन सेकंड क्लोज थर्ड इज रिबन योर थर्ड ऑप्शन इज रिबन ऑप्शन ओके योर थर्ड ऑप्शन इज fourth option place holder your fourth option is place holder very good nishchay ko bhi aa raha hai sab your fourth option is place holder and your fifth option is slide okay your fifth option is slide and last option number 6 is status bar very good nishchay Your last answer. Excuse me, ma'am. Bar. Okay. What happened, Samiksha? Ma'am, आप dominant screen ऊपर मत करना ना मैं अभी fifth लिख रही हूँ. Okay, ma'am. मम्मा कहाँ? ऊपर नहीं करो. Fifth is done. Question number one. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Samiksha. Fifth answer. Fifth, beta slide. Fifth option. Slide. Ma'am, sixth भी है क्या? Yes, sixth भी है ना बेटा status bar. You write status bar. देख मेरे हाथ के लाल यस मैम हो गया सिक्स तक First office in close ribbon placeholder slide. क्या है second? एक second second first office second close third ribbon placeholder fifth side. कौन लिख रही है? मैम है जी. हाँ. है? क्या? हाँ. तेरे को? सबको. Everyone likhna sixth is status bar. Yes, ma'am. Ho gaya. Yeah, second question. Done. देखो मैंने group में आप लोग को answer भी भेजा है. Okay. Sure. Cheating होगा.
रुक जा मत कर मुझे क्वेश्चन टू नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग ओके फर्स्ट इज कंट्रोल सॉरी फर्स्ट इज कट व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट निश्चय हु गिव मी आंसर कंट्रोल एक्स ओके कंट्रोल की स्पेलिंग यू राइट सी टी आर कंट्रोल प्लस एक्स लिखेंगे आप लोग ओके व्हाट कंट्रोल पूर्व निश्चय निश्चय को तो हो गया होगा निश्चय मैम एक्सक्यूज मी मैम मैम आई विल टेल ऑल आंसर वेट वेट विल निश्चय व्हाट हैपन अपूर्व एक्सक्यूज यस मैम मैम क्या मैम आप थोड़ा सा ऊपर करो मैम सॉरी मैम डिस्कनेक्ट मैम डिस्कनेक्ट ओके ओके स्टूडेंट फर्स्ट यू राइट योर आंसर वन कंट्रोल एक्स कैसे लिखेंगे आप सी टी आर एल प्लस एक्स निश्चय यू नो ना आंसर निश्चय मैम एक्सक्यूज मी मैम यस मैम कंट्रोल प्लस एक्स क्रिसमस ट्री वाला एक्स हाँ क्रिसमस ट्री वाला रुको मैं लिख के देती हूँ बेटा वेट वेट अ मिनट फर्स्ट इज सी टी आर एल कंट्रोल प्लस एक्स Then second paste option, okay? C T R L control plus V. Third option is italic. Italic means C T R L control plus I. Italic, okay? Then fourth option is undo. Mem Z. Yes, beta. C T R L C T R L control plus Z. Now fifth one is copy. Control C T R L control plus C. Okay. Now option six. Bold. Bold means control B. C T R L control plus B. Now seven option is underline. Control C T R L control plus U. Okay. And last option select all. So here option is here answer is control C T R L control plus A. Control plus A. So my dear student, you can see this is your answer number second. Right short. Your second question is write shortcut keys for the following. So your option first is control X. Option second paste. Shortcut kya paste ka? Control V. Italic control I. Undo control Z. Copy control C. Bold control B. Underline control U. And select all control A. Done. Okay.
Yes, what happened, Vinamra? Ma'am, we have to write all question also. No, but you write only answer. Yes, Samiksha. Yes, Samiksha, you go. Ma'am, I written question also. No problem, Vita. No problem, Vinamra. Okay, ma'am. Any other doubt? Well, yes, Nishay. You have complete, Nishay? Yes, ma'am. Hope your question number 1 and 2 is completed. Now come to question number 3. What is the use of text tool? What is the use of text tool? कहाँ पर देखा था आप लोगों ने text tool option? हाँ? In paintbrush? हाँ? Paintbrush में use किया था ना आप लोगों ने text tool? जब भी आपको कुछ लिखना होता है तो हम किसका use करते हैं? We use text tool option. Yes or no? Three. Ma'am, I have done also question number 3. You have written very good. Nishay to bahut fast kar rahe hai Nishay. Nishay, exam mein to top karenge beta aap. Okay. So, Ustray, you can see. Mute yourself. Yeah, sure. What happened, bachcha? Ma'am, I have done question number 4 also. Very, oh my god. Sorry, mein to bahut competition chal raha hai. Dono bahut fast likh le rahe hain. Yes. Very good. Yes. Ma'am, you are writing answer? Yes. In chat group, beta. Okay. So, you can see in your chat group answer number 3. Answer number 3. The text tool is used to write text in different style. Okay, this is your answer number 3. Aja. Mute yourself. नहीं तो मैं किसी को आंसर नहीं दूंगी. Mute yourself. Yes, what happened, Nishay? Sure. What beta? What is? Ma'am, please. Ma'am, scroll down. I will take screenshot. Wait. Okay, Nishay. Ma'am, 1 minute. Okay. Ma'am, scroll down. Now come to question number four. Okay. So, Swen, your question number 4 is name any two fonts. Who give me answer? It's a very simple question. ये आप लोग खुद बताएंगे. Name any two fonts. कोई भी दो fonts का नाम बताइए जो आप लोग use करते हैं. Calibri. Times New Roman. Yes. Yes, sure. You know the answer. Sure. Ma'am, the answer is Arial and Comic Sans. Yes, very good, beta. Sure. Yes, Nishay, you also know the answer.
मैम ग्रीन फ्रॉम वेरी गुड कैलिबरी भी आप बोल सकते हैं बेटा ओके मैम बहुत सारे ऑप्शंस हैं एरियल नैरो आल्सो आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं ओके टाइम्स न्यू रोमन एरियल कैलिबरी ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव योर क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट Who give me answer? What is MS PowerPoint? MS PowerPoint is used to create presentation. Okay, you can see in your chat box. Oh shit! What happened? MS PowerPoint. Ma'am. Yes. Ma'am, I have written question number 5 and write question answer 4. बेटा कोई बात नहीं वो उसको सुधार लो ना. Okay. Okay, ma'am. Answer number 5. You can see here answer number 5. Oh, shit, yeah. PowerPoint. Mute yourself first. Student, please mute yourself. MS. MS PowerPoint is used to. MS PowerPoint is used to create presentation. Is used to create. Presentation done. You can see in your chat box, MS PowerPoint is used to create presentation. Okay, done. Now, yes, sorry, Vinamra. What happened, beta? मैम गलती से उठ गया था ओके यस समीक्षा यस अपूर्व व्हाट हैपेंड वेट निश्चय वेट अ मिनट यस अपूर्व मैम यस क्या अपूर्व योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा यू कैन यू मैसेज अपूर्व बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैसेज करेंगे बेटा यस व्हाट हैपेंड विनम्र मैम यस मैम आई कैन राइट विद पेन एंड आंसर नंबर 4 आई राइट नंबर 5 आंसर एंड 5 आंसर 5 क्वेश्चन राइट 4 आंसर नो प्रॉब्लम बेटा जहां पर आपने 4 को 5 कर दिया उसको 4 और 5 को कट करके जो एग्जैक्ट नंबरिंग था ना वो लिख दो ओके ओके विनम यस यस निश्चय निश्चय यू हैव कंप्लीटेड बेटा यस मैम आगे 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 भी लिखना है यस ओनली एक क्वेश्चन और लिख ले अभी टाइम है हमारे पास ओके यस मैम वेट अ मिनट एक क्वेश्चन और देती हूं होप योर क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड Okay, Apoorv, you have done very good. Yes, Amiksha, you have completed beta question number 5? Yes, ma'am. Okay, now come to question number 6. My dear sir, now come to question number 6. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जैसे मैं ये लिखी और ये लिखी तो मैम मैं इसके पीछे ना ये लिख दी तो इसको मतलब यहाँ पे लिख लू क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो मिनिमम अम्बा बम्बा व्हाट इज मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is a presentation? What is a presentation? So, student, your answer is. Your answer is. A presentation is a structure. Delivery of information, or as we likh sakte hain, presentation consists of a number of slides. Okay, a presentation. A presentation is a structure. Delivery of information. Okay, और क्या लिख सकते हैं? It is a systematic display of information along with graphics, movies, and sound. Okay, okay. You can see in your chat box, beta. मैं वहाँ पर लिख रही हूँ. A presentation is a structure. Okay, this is your answer. This is your answer. This is answer number 6. This is your answer number 6. Okay, Vinamra. Done? No, ma'am. Ma'am, done. Done? Yes, ma'am. Ma'am, aur hai? Ek question aur kar do. Yes, ma'am. I have done. Now, next question, question number 7. What is a slide? What is a slide? Okay. So, you can see in your chat group, slide means this is your answer number 7. Mute yourself. Slide means a slide. Wait a minute. A slide represents a page in a presentation. It's a very simple answer. A slide represent a page in a presentation. A slide represent a page in a presentation. Done. Ma'am. Yes. Ma'am, 7th question also, 8th question also. No, beta. Yes, what happened, Bhavya? Yes, Bhavya. Ma'am, I have completed. Very good. And Bhavya, and all, listen, please listen. इसकी पीडीएफ फाइल बनाएंगे, then you will send in mail. Okay, आप मुझे मेल करेंगे. Okay? Molly, you also have done it. Molly, you have done? Ma'am, मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड चाहिए. You want question number first and second? Wait. Question. Ma'am, I have done. हाँ, डबल मैं स्क्रीनशॉट ले आऊँ ना. तो मम्मा. अरे वैसे स्क्रीनशॉट बस ले लियो. हो गया भैया मेरा. क्यों नहीं होगा? स्क्रीनशॉट ले लूँ कर लूँ. Ma'am, I have done. Okay, very good. Beta Molly, you can see answer number first. Molly, beta Molly. Ma'am, 1 and 2.
One and two, na? Ra-ra-ra-ra. Hey, mute yourself. मैम मुझे क्वेश्चन चाहिए. Don't do that, boys. मैम आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन एंड टू. आंसर क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री एंड ओके मैम फोर ना. ओके डन. यस मैम. Done. Sure, done. Akshita, you also done your work. Yes, ma'am. Done. Very good. Dhanvi, Dhairya, beta Dhairya, Gaurav, Kavya, Arush, Durgeshi, you have done, beta. If you have any problem, please raise your hand. Nishay, you have completed, bacha. Okay, Samiksha. जैसे ही आप लोग के कंप्लीट होंगे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे किसमें मेल में. यू हैव माय मेल आईडी बेटा. मेरा मेल आईडी है ना. सेंड ही नहीं होता है. नहीं होता जिसका नहीं होगा व्हाट्सएप करेंगे बाकी सब लोग मुझे मेल करेंगे. ओके एंड डियर सर लोगों को जो मैंने टास्क दिया था आर्ट इंटीग्रेशन का वो भी मुझे कंप्लीट करके देंगे आप लोग. आप लोग को इनपुट डिवाइस का पूरा स्ट्रक्चर बनाना था ना A4 साइज पेपर में. इनपुट डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी थी. हाँ मैं डाल दिया था. हम 40 रुपए किलो में हैं. भव्या आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूंगी. ओके भव्या ओके. स्टूडेंट Maybe your time is over, so next class we will continue. Okay? Next class. Ma'am. Yes. Ma'am, Apoorv phone leke baitha hai. Apoorv? Apoorv? Very bad, bachcha. Okay. So, student, hope your answer question is completed. Now, and next class we will continue. Okay? Next class we will continue. Okay. Bye bye. Bye, bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.